नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सहायक अध्यापक परीक्षा का पुनः निरीक्षण हो सकता है। सरकार ने मानी शिक्षकों की भर्ती की जो चयन सूची है उसमें विसंगति है। सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में कम अंक वालों का चयन सूची में शामिल करने का है मामला। सरकार ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की हम पुनः जांच कराएंगे। राज्य सरकार की ओर से पेश जो सहायक अध्यापक 2019 में कुल 31,277 पदों पर हो रही भर्ती की प्रक्रिया के फौरी निरीक्षण के जांच के अधीन किया जा सकता है। सरकार की ओर से यह जवाब एक अभ्यर्थी की याचिका पर दिया गया है। बता दें आपको कि 31,277 अभ्यर्थियों की चयन सूची में कई विसंगतियां हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट जानकारी दे दी है। अब शिक्षक भर्ती 2019 NIC की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने याचिका पर नहीं दिया है अभी कोई आदेश। बिना बिक्री के जमीन पर कब्जा सौंपने पर भी कोर्ट का सख्त रुख। वहीं TGT विज्ञान की अर्हता में भी बदलाव की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर को जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में TGT जीव विज्ञान के पद खत्म कर दिए जाने के बाद BSc बायो से करने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। पद खत्म किए जाने से परेशान अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से TGT के विज्ञान के लिए तय अर्हता में बदलाव करने की मांग की है। और UPSC अभ्यर्थियों का CM आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ गिरफ्तारी। तो मामला क्या है 69,000 का कि प्रदेश के प्रसिद्ध स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया जो जून माह में 67,867 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई, परंतु काउंसलिंग के दिन की हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 21 मई के शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31,661 के पदों पर चयनित की नई सूची जून माह में जारी अंतिम सूची से ही बनाए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,000 पदों पर अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन कर उनको जिला आवंटित किया, जिसमें अधिकतर अभ्यर्थी कम मेरिट वाले चयनित हो गए। तो अब शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के फौरी निरीक्षण हो सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में 31,277 पदों पर हो रहे चयन व नियुक्ति प्रक्रिया फौरी है, वह पुनः निरीक्षण के अधीन है। सरकार की ओर से यह जवाब एक अभ्यर्थी की याचिका पर दिया गया, जिसमें याची से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया, जबकि अभ्यर्थी को अधिक अंक मिलने के बावजूद चयन सूची से बाहर कर दिया गया। वहीं सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में NIC द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच का परिणाम आने पर इस प्रकार की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए दूर कर लिया जाएगा। सरकार की ओर से आश्वासन के बाद न्यायालय ने किसी अन्य आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं पाई। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल सदस्यीय पीठ ने कहा कि सरकार के उक्त आश्वासन के पश्चात अब इस प्रकार के अन्य अभ्यर्थियों के अधिकार व हित को सुरक्षित करने के लिए किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है। दरअसल याची पंकज यादव की ओर से दाखिल उक्त याचिका में कहा गया कि उसे 71.1% अंक मिले हैं, जबकि उससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उसे चयन सूची में जगह नहीं मिली है। याचिका में ऐसे एक अभ्यर्थी का उदाहरण भी दिया, जिसे 68.78 अंक मिलने के बावजूद काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। कहा गया दरअसल कुल 69,000 पदों की भर्ती की जानी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को सुरक्षित रखने के आदेश के बाद 31,277 पदों पर ही भर्ती की जानी है। याचिका के जवाब में राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता का कहना कि इस मामले में प्रत्येक नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है, क्योंकि वहां एक विशेष अनुमति याचिका में कट ऑफ मार्क और शिक्षा मित्रों को समायोजित किए जाने का मुद्दा विचाराधीन है। सरकार के अधिवक्ता ने आगे कहा कि अधिक अंक पाने वाले भर्तियों को नजरअंदाज करके कम अंक वालों को नियुक्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किन्हीं मामलों में हो जाता तो अधिक अंक वाले भर्ती को फ्रेश काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा व कम अंक वाले को चयन नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। हालांकि यह भी कहा कि उक्त विसंगतियों को लेकर NIC की जाँच की जा रही है, जाँच परिणाम आने के पश्चात उन्हें ठीक कर लिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो हाई गुणांक वाले बाहर हैं, अब सरकार ने खुद ही मान लिया है विसंगति है कोर्ट में जाकर के, तो अब उन्हें अवसर देने के लिए सरकार कह रही है। वहीं आज 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कल होगा आयोग पर विशाल प्रदर्शन। यानी आज दिनांक 10/11/2020 का दिन मंगलवार को 11 बजे सभी लोग भारी संख्या में जुटे। तो सरकार की ओर से विसंगति हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है, ये बड़ी न्यूज है आज की। इससे पहले बता दें कल लखनऊ सेक्रेट पर भारी प्रदर्शन हुआ, जहां भर्तियों ने मांग की 37,000 रिजर्व सीट पर भर्ती की जाए। तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर के नाम लिखा गया है। यहां पर ऑनलाइन शिकायत है जिसमें बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की 31,277 रिक्त पदों के सापेक्ष श्री नवनीत कुमार यादव पुत्र श्री ब्रह्मपुर का PTC अंतरिम होने के बावजूद चयन कर लिया गया है। ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग